बैनाढेर थाना क्षेत्र के इमरतपुर उधो में मुरादाबाद पुलिस के खौफ से युवक की मौत होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस मृतक के भाई की पिटाई की गई, जिससे वह सहन नहीं कर सका और उसकी हालत बिगड़ गई। पुलिस द्वारा उसके भाई की पिटाई से उसको सदमा लगना भी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस लूट के मामले में दबिश देने के लिए युवक के भाई को गिरफ्तार करने पहुंची थी। परिजनों ने पुलिस पर युवक के पीटने का आरोप लगाया है और बताया जा रहा है कि भाई को पीटता देख युवक की हालत बिगड़ गई और बिगड़ती हालत में परिजनों ने आला अधिकारियों को सूचना दी और मौके पर पहुंची क्षेत्रीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद से संवाददाता वाजिद अली की रिपोर्ट। हमारे इमरतपुर धो में घर पर फिर 2 बजे दबिश दी, गाड़ी लाई थी, 2 पुलिस की गाड़ी आई थी रात में। ये नहीं बताया हमारे घर पर कहाँ के थाने के थे, कहाँ के थे, कोई थाने का नाम नहीं बताया उन्होंने। हमने बहुत बूझी, पीछा करा, बहुत ना बताई। और हमारे छोटे भाई असलम को उठा कर ले गए एक फरियाद को, ये नहीं बताया कौन से केस में ले आए। उन्हें मारा, उनके साथ में पिटाई करी इन्होंने, है ही पुलिस वालों ने। उसके चक्कर में हमारे एक छोटे भाई की अतीक अहमद की उसकी हार्ट अटैक हो गया। ये पुलिस ये कुंदर की थाने की जाती है पुलिस की, ये उन्होंने कराई ऐसा, तो इसी वजह से ये घटना हुई है हमारी। क्या नाम है? इस्तेकार हुसैन। रात दबिश थी उसकी दौरान एक मामला हुआ, क्या है मामला? क्या मैंने टेप थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति है अतीक नाम के, जिनकी रात में मृत्यु हुई थी। इस संबंध में घर वालों ने तहरीर दी है कि इनका तबीयत कुछ खराब रहती थी और कार्डियक अरेस्ट के कारण इनकी रात में मृत्यु हुई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई और अग्रिम गांव इनके घर वालों के द्वारा इनकी शव का जो है दफीना आदि की कार्रवाई की जा रही है। सर, आरोप लगाया है कि कुंदर की थाना पुलिस क्षेत्र का नहीं है, फिर भी कुंदर की पुलिस आई थी, ये क्या मामला था? ये जानकारी में आया कि कुंदर की थाने की पुलिस किसी की तलाश में यहाँ आई थी, बट इनको लेके नहीं गई थी, ना ही इनके घर पर कोई दबिश पड़ी थी, और कुंदर की पुलिस की दबिश का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। तो सर, अब क्या निस्तारण हुआ? आप इनका दफीना हो रहा है और जो भी इनकी आर्थिक सहायता आदि होगी वो इनकी कराई जाएगी। बाकी गांव वालों द्वारा भी इनके परिवार का सहयोग किया जा रहा है और आगे कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.